सबसे पहले तो आप सभी को यार बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू यार। आप सभी मिलके अभी स्पोर्टलिया को 1000 के एक फैमिली बना दिया है। जी भाई, 1000 मतलब 1000 का एक फैमिली बना दिया है स्पोर्टलिया को आप सभी को, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और अब हम सभी मिलके इंडियन फुटबॉल ISL को और भी आगे ले जाऊंगा और भी लोगों के पास पहुँचाऊँगा इंडियन फुटबॉल के बारे में, ताकि और भी लोग इंडियन फुटबॉल का फैन बने। तो इसीलिए आप सभी को भी मेरा साथ देना होगा। आप सभी प्लीज़ इस चैनल को 3 लोगों को शेयर करिए और उस 3 लोगों को बोलिए कि भाई आप सभी भी और 3 लोगों को इस चैनल का लिंक शेयर करिए, ताकि इससे और भी इंडिया में इंडियन फुटबॉल के बारे में पता चले और इंडियन फुटबॉल के लिए और भी ज़्यादा फैन आए, स्टेडियम तक निकल गए। आप सभी को इसके लिए मुझे मदद करना होगा। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहता हूँ 1000 क्रॉस कार्ड देने के लिए। और आप सभी को अगर एक गिव अवे चाहिए तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिव अवे चाहते हैं तो मैं इस चैनल में एक गिव अवे भी रखने वाला हूँ यार आप सभी के लिए। तो आप सभी मुझे कमेंट करिए, और अगर मेजोरिटी बोलेगा कि भाई हाँ हमें गिव अवे चाहिए भाई, तो मैं आप सभी को गिव अवे ज़रूर दूँगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सबसे बड़ा न्यूज़, वो है रूमिन फिलिबुटू के बारे में। यार रूमिन फिलिबुटू कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए लास्ट मैच खेल रहा था और अपने फुटबॉल करियर के लास्ट मैच भी वो खेल रहा था। और कल ही रूमिन फिलिबुटू ने अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। यार काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है, काफ़ी कमाल का खिलाड़ी, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए 2 साल खेला है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के फैनों में एक जगह बनाया है। रूमिन फिलिबुटू ने कल पूरे 90 मिनट कंप्लीट करके खेला और जो सेलिब्रेशन साना कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। और हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और हमारे स्पोर्टलिया के तरफ से रूमिन फिलिबुटू को अपने जर्नी, जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेगा उसके लिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। शायद वो अभी कोचिंग करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हें एक लेजेंडरी खिलाड़ी है यार रूमिन फिलिबुटू, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के रिकॉर्ड में इनका नाम अच्छी तरह से लिखा जाएगा कि रूमिन फिलिबुटू फ्रांस के टॉप टायर लीग में खेल के नॉर्थ ईस्ट में आया था और नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर से अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया कल। और काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है रूमिन फिलिबुटू, और रूमिन फिलिबुटू के लिए एक जरूर लाइक करिए और आप सभी भी रूमिन फिलिबुटू का नेक्स्ट जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट जरूर विश करिए। और नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC रूमिन फिलिबुटू के रिप्लेसमेंट में एक नया खिलाड़ी को साइन करेगा, वो है हमदू एलहोनी। मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया है, हमदू एलहोनी के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है इस खिलाड़ी के बारे में। आप सभी चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में एक लिंक दे दूँगा। आप सभी हमदू एलहोनी के बारे में A to Z देख सकते हैं, तो उस वीडियो को आप सभी जरूर देखिए। और कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने एक बेहतरीन मैच खेला, उड़ीसा के अगेंस्ट बिल्कुल डोमिनेट किया था और 3-0 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने इस मैच को जीत लिया है। और नेस्टर फाल्गुनी पार्टिप ने गोल स्कोर किया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC थोड़ी से पॉइंट से ही इस साल प्लेऑफ से निकल गया है। और टेक्निकल प्रॉब्लम भी था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने हैदराबाद के अगेंस्ट 2 पॉइंट गवाया और उसके अलावा पंजाब के अगेंस्ट 3 पॉइंट गवा दिया था। तो इसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को इस साल का प्लेऑफ से बाहर होना पड़ा। और अभी इस साल के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का जर्नी एंड होता है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फिर से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और जॉन पेड्रो बेनारी ने कहा है कि नेक्स्ट साल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बेहतरीन टीम बनाएगा और एक ISL के बेस्ट टीम बनाने वाला है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो मैं उम्मीदें करूँगा कि नेक्स्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC एक चैम्पियनशिप टीम बने, क्योंकि दुरान कप, सुपर कप, ISL 3 मौका है। तो कहीं ना कहीं से एक चैम्पियंस जरूर बने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, क्योंकि भाई बहुत साल हो गया है हमें इंतज़ार का, फैनों का इंतज़ार का। तो नेक्स्ट सीजन स्ट्रॉन्ग कमबैक करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, उसके लिए मैं दुआएं मांगूंगा। तो मैं उम्मीदें रहूंगा कि जॉन पेड्रो बेनाली से कि नेक्स्ट ईयर हमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ISL के एटलीस्ट फाइनल खेलें।
तो मैं विश करूँगा उसके लिए। आप सभी का भी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल गया है लिस्टेन कोलासो के बारे में। जे भाई, लिस्टेन कोलासो के बारे में एक रूमर अभी निकल रहा है कि एफसी को अभी इंटरेस्टेड है लिस्टेन कोलासो को साइन करने के लिए। जे भाई, आप सभी लिस्टेन कोलासो को जानते होंगे, अभी मोहन बगान के लिए खेल रहा है, इंटरनेशनल टीम के लिए खेला है, तो काफ़ी कमाल का खिलाड़ी है। तो अभी एफसी को इंटरेस्टेड है लिस्टेन कोलासो को अपने टीम में शामिल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल गए है ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। जे भाई, ईस्ट बंगाल एफसी ने अपना खिलाड़ी क्रिस्टन सिल्वा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को और एक साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया है भाई, और नेक्स्ट सीजन भी क्रिस्टन सिल्वा खेलने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से। और एक कमाल का खिलाड़ी है क्रिस्टन सिल्वा, बेंगलुरु के लिए भी खेला है और अभी ईस्ट बंगाल के लिए काफ़ी कमाल का गोल स्कोर कर रहा है। तो नेक्स्ट सीजन के लिए भी क्रिस्टन सिल्वा जुड़े रहेगा ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से, और ईस्ट बंगाल के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है क्योंकि नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल एफसी एएफसी चैंपियंस लीग 2 में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेगा। तो इस साल भी इतना खास प्रदर्शन नहीं है, ईस्ट बंगाल एफसी इस साल नंबर 8 पोजीशन में ख़त्म किया है आईएसएल को। तो नेक्स्ट सीजन के लिए भी ईस्ट बंगाल एफसी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने वाला है ताकि एएफसी चैंपियंस लीग और आईएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाए। तो अभी तो बहुत ही बड़ा बड़ा गुड न्यूज़ निकल गया है ईस्ट बंगाल एफसी के फैन के लिए क्योंकि क्रिस्टन सिल्वा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन कर दिया है। तो एक कमाल का न्यूज़ है सभी ईस्ट बंगाल एफसी के फैनों के लिए। तो आप सभी के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जुड़े बेल आइकन को दबाए, और आप सभी कमेंट करिए क्योंकि आप सभी को गिव अवे चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।